हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत श्रीवास्तव माय डिजिटल गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की, जिसके थ्रू आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो के अंत में आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर की, तो सबसे पहले जानते हैं कि वो सॉफ्टवेयर कौन सा है और इसके क्या यूज है। हम जिस सॉफ्टवेयर की आज बात करने वाले हैं, इसका नाम है OBS स्टूडियो। OBS स्टूडियो एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इजीली अपने स्क्रीन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसको लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। मीन्स अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप अपनी एक्टिविटी को लाइव रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना, किसी को पैसे नहीं देने, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप कोई मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, कोई वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, तो वहां आपको अपने उस वेबिनार को, उस मीटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए उनका सब्सक्रिप्शन प्लान बाय करना पड़ता है। या फिर अगर आप उसको लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनके पैकेजेस फिक्स होते हैं, आपको उसको बाय करना पड़ता है। अगर आप गेम लवर हैं, आप गेम खेल रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे इस गेम को मैं अपने सोशल मीडिया पेज पे या यूट्यूब पे शेयर करूं, अपने दोस्तों के साथ उसको लाइव स्ट्रीम करूं, तो वो भी आप यहां इजीली कर सकते हैं। आप यहां पे कंपोज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं अपने डिस्प्ले के ऊपर। मीन्स जो भी एक्टिविटी आपके डिस्प्ले के ऊपर रन हो रही है उसके ऊपर अगर आपको ब्रांडिंग करनी है, अपने वेबकैम को एक्टिव करना है, तो वो तमाम चीजें आप यहां पे कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, ताकि जो लाइव ऑडियंस है वो वहां इजीली उसको देख सके। अगर आप एक टीचर हैं और आप चाहते हैं कि आप क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आप यहां ऑनलाइन क्लासेस के दरमियान जो क्वेश्चंस हैं, जो टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको वहां शो करने हैं, वो भी आप टेक्स्ट फॉर्मेट में इजीली वहां शो कर सकते हैं अपने वीडियो को बिना डिस्टर्ब किए हुए। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और कैसे इसके थ्रू हम लाइव स्ट्रीम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग google.com ओपन कर लेते हैं। यहां पे आपको टाइप करना है OBS स्टूडियो। जब आप OBS स्टूडियो टाइप करते हैं तो आपका OBS स्टूडियो का पेज ओपन हो जाता है। अब आप यहां देख सकते हैं कि अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आप विंडोज के लिए डाउनलोड कर ले, अगर आप मैक यूजर हैं तो आप मैक डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप लिनक्स यूजर हैं तो आप लिनक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप विंडोज, जो भी यूजर हैं, जिस भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं, वो आप डाउनलोड कर ले। OBS को डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है, और इसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले इसको डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जो आपके पास OBS की स्क्रीन ओपन होती है वो कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन होती है। यहाँ पे आपका प्रीव्यू पैनल है जहां पे आप अपने स्क्रीन को कंपोज करते हैं। ये आपका प्रोग्राम पैनल है, जो भी आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं या रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आपके इस प्रोग्राम पैनल पे रिकॉर्ड होता है, डिस्प्ले होता है। और यहाँ पे आपके पास स्किन्स एंड सोर्स का ऑप्शन है, जहां पे आप डिफाइन करेंगे कि जो आपके रिकॉर्डिंग का सोर्स है या स्ट्रीमिंग का सोर्स है वो क्या होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सोर्स का ऑप्शन है। अगर आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, और फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे गेम कैप्चर का ऑप्शन है। आप इस गेम कैप्चर पे क्लिक करेंगे, एक क्रिएट न्यू का ऑप्शन आएगा, आप इसको क्रिएट करेंगे। फिर आप जो भी गेम बैकएंड में ओपन है, क्योंकि मेरे सिस्टम में कोई ओपन नहीं है गेम, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। आप इसको फुल स्क्रीन एप्लीकेशन ले सकते हैं, ताकि जब आप स्क्रीन पे गेम प्ले कर रहे हो तो वो गेम आपको दिखाई दे, आपके ऑडियंस को दिखाई दे। इसी तरह अगर आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, जैसे मैं पूरे अपने विंडो को कैप्चर करता हूं, जैसे मैंने विंडो कैप्चरिंग करी और ओके कर दिया, अब आप देखेंगे कि मेरे विंडोज में, क्योंकि क्रोम ओपन है बैकएंड पे, तो क्रोम के अंदर ये साइट ओपन है, तो ये साइट इसने कैप्चर कर लिया। तो इसी तरह अगर आप गेम ओपन कर रहे हैं, फुल स्क्रीन पे करते हैं, तो आप यहाँ गेम कैप्चर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम अपने वीडियो कैमरा को भी एक्टिव करें,
तो आपको प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास वीडियो कैप्चर डिवाइस है जिस पे आप क्लिक करेंगे, एक नई लेयर क्रिएट होगी जहां पे आपका वीडियो कैप्चरिंग विंडो ओपन हो जाता है। आप इसको यहाँ एडजस्ट भी कर सकते हैं जिस भी साइज में आपको करना हो। ये देखिए ये एडजस्ट हो गया। आप अगर इसको भी एडजस्ट करना चाहें तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद अगर आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, अपना कुछ लोगो प्लेस करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ अटैच कर सकते हैं। जैसे इमेज सेक्शन आपने एक नया लेयर किया इमेज का, और आपके सिस्टम में जहां पे भी आपका ब्रांड लोगो या इमेज प्रेजेंट है, आप उसको यहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप से एक लोगो ले लेता हूं, सपोज हमने ये लोगो ले लिया और इसको हम लोग ड्रैग करके प्लेस कर देते हैं एक अलग पोजीशन पे, तो ये हमारी रिकॉर्डिंग स्क्रीन कंपोज हो गई है। अब हमको इसको क्या करना है, इसको अपने प्रोग्राम में सेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांजेक्शन का, आपको इस पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन आपके प्रोग्राम विंडो पे आ चुकी है और ये तैयार है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। लेकिन इस लाइव स्ट्रीमिंग से पहले आपको कनेक्ट करना होगा अपने उस मीडियम से जहां आप इसको लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको ब्राउजर ओपन करना है। जैसे मान लीजिए आप इसको फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो यहां पहले फेसबुक ओपन करेंगे आप, जिस भी पेज पे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं। जैसे मैं माई डिजिटल गुरु की बात करता हूं, तो माई डिजिटल गुरु पेज मैंने ओपन किया, ये पेज मेरा ओपन हो गया। अगर आप एडमिन है तो आपको टॉप में ये बार दिखता है, अगर आप एडमिन है तभी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इसमें आपको मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ एक पब्लिशिंग टूल का ऑप्शन है, आपको इस पब्लिशिंग टूल पे क्लिक करना है। जो नेक्स्ट विंडो है वो पब्लिशिंग पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन मिलता है वीडियोस का, आपको इस वीडियोस पे क्लिक करना है। तो आपके पास वीडियोस की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको लाइव का ऑप्शन दिख जाता है। जब आप इस लाइव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइव पेज क्रिएट हो गया, जहां पे आप इस पेज की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर इस लाइव स्ट्रीमिंग का कोई टाइटल देना है तो आप टाइटल दे सकते हैं, अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है तो वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और यहां पे अब हम जानेंगे कि कैसे हम OBS से इसको कनेक्ट करेंगे। तो जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पे एक स्ट्रीमिंग की मिलती है जिसको आपको कॉपी करना है और अपने OBS सॉफ्टवेयर के अंदर इसको अटैच करना है। वो कैसे होगा, तो यहां आपको एक सेटिंग का टैब मिलता है राइट हैंड साइड में, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। फिर आपको यहां स्ट्रीम का ऑप्शन मिलता है, जो नई विंडो ओपन होती है सेटिंग विंडो, आप स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग फेसबुक की बात कर रहे हैं, अगर आप YouTube लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, YouTube गेमिंग स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो आप यहां YouTube सेलेक्ट करेंगे, शो ऑल करेंगे, तो और भी मीडियम है जहां आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फेसबुक की बात कर रहे हैं, तो हम लोग फेसबुक लाइव स्ट्रीम करेंगे। ये मैंने फेसबुक सेलेक्ट करते हैं हम, यहां पे आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस हैं, इनमें आपको फेसबुक सर्च करना है जहां पे भी। ये देखिए फेसबुक लाइव, फेसबुक लाइव सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद जो स्ट्रीमिंग की आपने कॉपी की है उसको यहां पेस्ट कर देना है और इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके ओके कर दिया, अब आपका फेसबुक का जो पेज है वो लाइव स्ट्रीमिंग पेज है, वो कनेक्ट हो चुका है आपके इस OBS स्टूडियो के थ्रू। अब आपको यहां लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लिक करते हैं, आप अपने इस पेज पे देखेंगे, ये देखिए कनेक्शन कनेक्टिंग लाइव वीडियो, आपके स्क्रीन की जो एक्टिविटी है वो यहां कनेक्ट हो रही है और यहां कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। अब आप इसको गो टू लाइव करेंगे, जैसे ही आप गो टू लाइव पे क्लिक करते हैं आपकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाती है। तो जैसा कि आप देख पाइएगा, जैसे ही आपकी अब ये देखिए ये वीडियो स्टार्ट हो गई है, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है। इसको देखने के लिए आप यहां पे देख सकते हैं अपने टॉप पे, या फिर आप इस URL पे भी जाके अपनी लाइव स्ट्रीम को देख सकते हैं। जो भी आप लाइव कर रहे हैं वो अब फेसबुक पे लाइव चल रही है, ये देखिए यहाँ पे टाइमर आ रहा है। अब अगर आपको इस स्ट्रीम को एंड करना है तो सबसे पहले आप OBS स्टूडियो पे जाएंगे, इस स्टॉप स्ट्रीमिंग पे क्लिक करेंगे जहां से आपकी स्ट्रीमिंग स्टॉप होती है, और इसके बाद आप अपने फेसबुक पेज पे आएंगे और यहां पे आप देखिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने वहां से स्टॉप किया तो ये वीडियोस एंड हो गई। और अगर आपको इसको
सेव करना है, अपने पेज पे रखना है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि ये एक टेस्टिंग वीडियो है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो इस तरह आप इजीली, चाहे वो गेम हो, वेबिनार हो, लाइव मीटिंग हो या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, आप यहाँ उसको लाइव फेसबुक पे, यूट्यूब पे कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन पे अपने सुझाव दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।